वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास सेवन्थ के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी का यानी भूगोल का चैप्टर नंबर 2 हमारे पृथ्वी के अंदर एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। चैप्टर नंबर 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया था। आज चैप्टर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अभ्यास के क्वेश्चन आंसर्स। तो बोला गया है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं। तो आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट्स, पृथ्वी की 3 परतों के नाम, पहला है परपटी, दूसरा है मेंटल और दूसरा है क्रोड। ये सब क्या है, हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। ये पृथ्वी की 3 परतें हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड पॉइंट शुरू होता है शेल क्या है। तो आप लोग लिखेंगे पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ। आप याद रखेंगे कि जो पृथ्वी की परपटी है यानी उसके परत है, उसके द्वारा बनाए जाने वाले जो खनिज पदार्थ है कि किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम शेल कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, 3 प्रकार के शेलों के नाम लिखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे। तो 3 प्रकार के शेले हैं, पहला है अग्नेय शेल, दूसरा है अवसादी शेल और तीसरा है कायंतरित शेल। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बोला गया है बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी शैली का निर्माण किस प्रकार होता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग सबसे पहले का पॉइंट लिखेंगे जिसमें बोला गया है बहिर्भेदी शेल का निर्माण द्रव्य लावा। आप याद रखेंगे द्रवित लावा की बात की गई, द्रवित लावा के पृथ्वी की सतह पर आने तथा तेज़ी से ठंडी होकर क्या होगा, जब वह पृथ्वी की सतह पर आएंगे, उसकी कांटेक्ट में आएंगे, वो तेज़ी से ठोस बनने पर होता है। और इसके अलावा स्टूडेंट, जो अंतर्भेदी शेल है उसका निर्माण द्रवित मैग्मा के भू परपटी, आप याद रखेंगे मैग्मा के भू परपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाने के कारण होता है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बोला गया है शेल चक्र से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग लिखेंगे किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शेल का चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तित हो जाना ही क्या है स्टूडेंट, शेल चक्र कहलाता है, यानी जब वो चेंज होता रहेगा। आगे पढ़ते हैं, आगे बोला है शेलों के क्या उपयोग है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग लिखेंगे कि शेलों के निम्नलिखित उपयोग है। पहला उपयोग है उनका ईंधन की तरह हम लोग उपयोग कर सकते हैं, उनको उद्योगों में उपयोग होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इनका दवाइयों के इसके अलावा मेडिसन के प्रोडक्शन यानी निर्माण में इसका यूज़ होता है, उनका उर्वरों के निर्माण में भी उपयोग होता है, फर्टिलाइजेशन में। आगे बढ़ते हैं, आगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कायंतरित शेल क्या है। तो आप लोग आंसर में लिखेंगे स्टूडेंट्स, अग्नेय एवं अवसादी, ये सब क्या है, शेले है, यानी शेल का नाम है, उच्च ताप यानी जब हाई टेम्परेचर होगा और दाब के कारण जिस प्रकार की शेलों में यानी जो शेल है उनमें परिवर्तन होते हैं, जब टेम्परेचर हाई होगा उनका दाब पड़ेगा, प्रेशर होगा, तो उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कायंतरित शेल बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है, सही उत्तर के आप लोगों को सही का निशान लगाना है। जैसे फर्स्ट दे रखा है कि द्रवित मैग्मा से बने शैल कौन सी हैं। आप याद रखेंगे जब भी द्रवित मैग्मा की बात की जाएगी तो उसके अंदर आप लोग अवसादी शैल को टिक करेंगे। आंसर्स स्टूडेंट्स, आंसर हम इस तरह चेक करते हैं कि फर्स्ट दे रखा और फर्स्ट का सही पॉइंट कौन सा है, का है, तो यानी ये फर्स्ट है और इसका सही पॉइंट कौन सा है, का है स्टूडेंट्स, अग्नेय है। आप हमेशा याद रखेंगे जब भी द्रवित मैग्मा से बनी शेल की बात की जाएगी आप हमेशा अग्नेय पर टिक करेंगे। और सेकंड है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, तो आप लोग लिखेंगे पॉइंट सेकंड का खा, क्योंकि पॉइंट सेकंड में खा बोला है तो पॉइंट सेकंड ये रहा। और सही आंसर इसका कौन सा है, खा, यानी क्रोड है, कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है स्टूडेंट्स, क्रोड है। आगे बढ़ते हैं, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है। तो आप लोग थर्ड वाले में जाएंगे और थर्ड का खा बोला है इसलिए आप लोग थर्ड का खा ढूंढेंगे, का खा यानी खनिज है। आप याद रखेंगे कि सोना, पेट्रोलियम और जो कोयला है वो खनिज के उदाहरण हैं। आगे पढ़ते हैं, शेल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स। अगेन आप फोर्थ में जाएंगे,
फोर्थ का सही आंसर का है, तो आप फोर्थ में जाएंगे और का ऑप्शन को ढूंढेंगे, क्योंकि का ऑप्शन अफसादी शेल है, तो सही आंसर क्या है, अफसादी शेल। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बोला गया है पृथ्वी की सबसे पतली परत है, तो आप लोग देखेंगे कि फिफ्थ का है, तो का ऑप्शन ढूंढेंगे और का यानी पर्पटी पर सही टिक करेंगे। आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट पेज के पढ़ते हैं, आगे दे रखा है स्टूडेंट्स कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाने हैं, जैसे आप लोगों को का दे रखा है फर्स्ट पॉइंट, तो इसका आंसर ढूंढना है कि कौन सा सूटेबल है। जैसे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है क्रोड और क्रोड का दे रखा है अड़ा, तो आप इस पॉइंट में अड़ा ढूंढेंगे, क्योंकि अड़ा ये लिखा हुआ, तो मैं इससे मैच कर दूंगी कि सबसे भीतरी परत क्रोड है। सेकेंड दे रखा है खनिज, खनिज का आंसर कौन सा है घ, अब हम घ ऑप्शन ढूंढेंगे, ये रहा, इनका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, तो वो क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है, मिक्सर। आगे पढ़ते हैं शेल यानी थर्ड का खा है, तो मैं खा पे टिक कर दूंगी। शेल क्या है, सड़क एवं इमारत बनाने के लिए ये उपयोग होता है, यानी इसका यूज दे रखा है। फोर्थ पॉइंट में दे रखा है स्टूडेंट्स का, फोर्थ ये रहा और का पॉइंट ये रहा, चिकनी मिट्टी यानी स्लेट में बदलता है। देन लास्ट वाला दे रखा है फिफ्थ, और फिफ्थ का कौन सा सही दे रखा है, गा सियाल, तो सियाल का क्या है, सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बनता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, मैचिंग आप लोग याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछी जाती है, अभ्यास के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। फोर्थ से स्टार्ट होते हैं रीजन बेस्ड क्वेश्चन, यानी आपको कारण देते हुए अपने आंसर को लिखना है। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स बोला गया है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, जो कि क्या है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ही असंभव है, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। आगे पढ़ते हैं अफसादी शेल अफसाद से बनती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करेंगे प्लस इस आंसर को लिख करके याद करेंगे। तो बोला गया है कि शेल लुढ़क कर चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। आप याद रखेंगे शेलों की बात हो रही है स्टूडेंट्स, कि जो शेल है वो लुढ़क कर या चटक कर और एक दूसरे से क्या होता है, जब वो टकराते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इन छोटे कणों को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अवसाद बोलते हैं। ये अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से, अब आप लोग याद रखेंगे ये किस तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, हवा और जल इन सब के द्वारा क्या होता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच करके जमा कर दिए जाते हैं, यानी कलेक्ट हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर, आप याद रखेंगे कि जब ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं तो ये अवसाद दब करके और कठोर होकर के ये क्या बन जाते हैं, शेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शेलों को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अफसादी शेल बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे भी नोट डाउन करेंगे। स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले शेलों के नाम दे रखे हैं, अग्नीय एवं अफसादी जो शेलें हैं स्टूडेंट्स, उच्च ताप यानी जब हाई टेम्परेचर होगा और दाब के कारण क्या होगा, कायंतरित शेलों में ये परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चनों में समझा। चूना पत्थर के साथ भी ठीक यही होता है स्टूडेंट्स, यानी उच्च ताप व दाब के कारण क्या होता है, ये संगमरमर में बदलता है, जो कि कायंतरित शेल का एक क्या है स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल है, एक उदाहरण है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि चूना पत्थर संगमरमर में किस तरह बदलता है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आओ खेलें, तो बोला गया है निम्न पाठ्यपुस्तक संख्या, आप लोगों को पेज देखना है 11, और वस्तु में उपयोग किए गए खनिजों की पहचान करनी है। जैसे कुछ फोटो दे रखे हैं आप लोगों को, तो इनके नाम लिखने हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, विभिन्न खनिजों से बनी कुछ अन्य वस्तु के चित्र भी आप लोगों को बनाने हैं। तो पहले फर्स्ट पॉइंट समझते हैं इनके नाम, तो जैसे ये कढ़ाई दे रखी है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दे रखा है कढ़ाई जो लोहे से बनी है, आभूषण दे रखे हैं ज्वेलरी जो सोना चांदी से बनी होगी, नेक्स्ट दे रखा है तवा जो लोहे से बना होगा, नेक्स्ट दे रखी है घंटी जो लोहा तांबे से बनी होगी, हथौड़ा दे रखा है स्टूडेंट्स हथौड़ा लोहे से बना है, और नेक्स्ट दे रखा है दीप यो तांबा जो तांबा या कांसा से बना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका सेकंड पॉइंट समझ,
क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन सेकंड में बोला है कि विभिन्न खनिजों से बनी, यानी वो तांबे से बनी है, लोहे से बनी है, सोने से बनी है, कांसे से बनी है, उन वस्तुओं के आप लोगों को चित्र बना। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ नाम दे रखे हैं, जैसे अंगूठी है, अंगूठी सोना चांदी की बनी होती है, बाल्टी लोहे की एल्यूमिनियम की होती है, बिजली के तार होते हैं जो तांबे और एल्यूमिनियम के बने होते हैं। आप लोगों को इनके चित्र भी बनानी है, प्लस ये भी बताना था कि वो कौन से खनिज से बने हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इस वीडियो में चैप्टर 2 के हमारी पृथ्वी के अंदर क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 7th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 हिंदी मीडियम के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।